नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 की यूनिट सेकंड भारत में शासन का जो आपका राज्य सरकार वाला जो टॉपिक है वो आपको बच्चों क्लियर करवा रही हूँ। इसमें पहला टॉपिक आता है बच्चों राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमारा भारतीय संविधान राज्यों की संवैधानिक कार्यपालिका का जो प्रधान है वो किसको मानता है, वो राज्यपाल को मानता है और कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ये हमारा संविधान कहता है बच्चों। तो राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्यों में राज्यपाल की होती है बच्चों। तो आपने देखा कि राज्यपाल का महत्वपूर्ण स्थान है, राज्य की संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल, केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की है वही स्थिति राज्यों में राज्यपाल की होती है। तो आज हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे कि क्या है राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल क्या क्या कार्य करता है। तो देखो बच्चों, राज्यपाल की पहली शक्ति है बच्चों कार्यपालिकाई शक्ति। कार्यपालिकाई शक्तियों में आपका अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होगा। राज्य में भी केंद्र की तरह संसदात्मक शासन व्यवस्था होगी जिसमें कार्यपालिकाई शक्ति दो भागों में बटी हुई होगी, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल के अधीन होगी जबकि वास्तविक कार्यपालिका केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है, वैसे ही राज्यों में किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। तो संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो बच्चों संवैधानिक कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान या राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान बच्चों राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल समस्त कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। दूसरा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्य केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है और मुख्यमंत्री की सहायता से बाकी मंत्रियों की भी क्या की जाती है बच्चों, नियुक्ति की जाती है। अब उसके बाद देखो मंत्रियों की नियुक्ति आपने पढ़ा, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना है, उनकी कार्य सूची तैयार करना है, ये सब मुख्यमंत्री करता है। लेकिन हमारा भारतीय संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री की सहायता लेकर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये है आपका दूसरा कार्य कार्यपालिका से संबंधित। इसके अलावा बच्चों आपने नाम सुना होगा महाधिवक्ता। देखो बच्चों, जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्यों में कौन होता है बच्चों, महाधिवक्ता होता है। हमारा भारतीय संविधान का 76 अनुच्छेद महान्यायवादी का उल्लेख करता है, जो हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, वैसे ही राज्यों में विधि अधिकारी के रूप में कार्य करता है महाधिवक्ता। और इस महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जिसे हम सोलिसिटर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। तो राज्यों में सोलिसिटर जनरल होता है जबकि केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, जो राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग लेता है, उन्हें विधि संबंधी परामर्श देता है, सरकार की तरफ से कानूनी सलाह प्रदान करता है, राष्ट्रपति का एक तरीके से सलाहकार की भूमिका निभाता है। कौन, राज्यपाल। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का कार्य राज्यपाल करता है। उसके बाद आता है बच्चों लोकायुक्त। आपने सुना होगा सज्जन सिंह कोठारी जी अभी लोकायुक्त भी रह चुके हैं, जिनको सेवानिवृत्त किया जा चुका है कांग्रेस शासन में। तो लोकायुक्त की नियुक्ति करने का कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लोकायुक्त पद की शुरुआत हमारे भारत में
अन्ना हजारे के शासनकाल के दौरान बच्चों हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आरपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करने का कार्य भी राज्यपाल के हाथों में होता है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और ये विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करती है। और आप अगर आगे जाकर के शिक्षाविद बनोगे तो आपके सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम्स है वो भी कौन कंडक्ट करवाती है? आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है और आरपीएससी के जो बच्चों सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करता है? राज्यपाल करता है बच्चों। अब उसके आगे देखते हैं बच्चों, कुलपति। आप सबको पता होना चाहिए बच्चों, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनका कुलाधिपति होता है राष्ट्रपति, जबकि राज्य जितने भी राज्य विश्वविद्यालय है उनका कुलाधिपति होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल जितने भी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति है उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी बच्चों करता है कौन? राज्यपाल। तो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रियों को चुनता है, महाधिवक्ता को चुनता है, आरपीएससी को चुनता है, राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य है उनको चुनता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों आपातकाल के समय। मैंने बताया भी था पहले के वीडियोज में, आपातकाल आपातकाल हमारे भारतीय संविधान में जो आपातकाल का उल्लेख है वो भाग 18 में है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये तीन अनुच्छेद जो है आपातकाल की स्थितियों के बारे में दर्शाते हैं। अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, संविधान के नियमों के अनुसार अगर वहां की सरकार काम नहीं कर पा रही है तो वहां के राज्यपाल अगर इस बात को देखता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों के अनुसार उस राज्य की शासन व्यवस्था को संभालने का कार्य करता है बच्चों राज्यपाल। तो राज्यपाल आपातकाल के समय राज्य व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो बच्चों क्या करता है? कार्य करता है। उसके बाद देखिए बच्चों अनुच्छेद 166। आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि अनुच्छेद 77 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति के जितने भी काम किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। वैसे ही अनुच्छेद 166 कहता है कि समस्त कार्यपालिकाई जो कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल के नाम से ही समस्त राजस्थान का जो प्रशासन है वो राज्यपाल के नाम से चलाया जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों कार्य आवंटन के नियम, मंत्रियों के कर्तव्यों का निर्धारण, उनका कार्य आवंटन के संबंध में जितने भी नियम उपनियम बनाने हैं वो भी राज्यपाल के द्वारा ही बनाए जाते हैं बच्चों। उसके बाद आता है राज्य निर्वाचन आयोग, नाम सुना भी होगा बच्चों आपने। एक होता है आपका सेंट्रल में केंद्रीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग जिस जो हमारा भारतीय संविधान है उसका भाग 15 निर्वाचन आयोग का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 हमारे निर्वाचन आयोग का उल्लेख करते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरह बच्चों वहां निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल की जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त है उसकी नियुक्ति करने का कार्य बच्चों राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। उसके बाद आता है बच्चों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। देखो बच्चों चाहे आप उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश देख लो चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देख लो, नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेता है और जिस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को चुनना है उस राज्य के जो आपका उस राज्य का जो राज्यपाल है उससे भी क्या लेता है बच्चों? परामर्श लेता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श देने का कार्य भी कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। इसके अलावा जो भी आपके जिला न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति पदोन्नति इनके संबंध में नियम बनाने का कार्य भी आपके राज्यपाल साहब करते हैं। तो ये बच्चों आपके कार्यपालिका से संबंधित कार्य है। क्या
कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, मुख्यमंत्री को चुनता है, मंत्रियों को चुनता है, महाधिवक्ता को चुनता है, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा समस्त कार्यपालिका शक्ति उसके नाम से चलती है। मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के नियम बनाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श प्रदान करता है। अब बच्चों हम नेक्स्ट कार्य देखते हैं, वो कार्य है बच्चों विधायी कार्य या विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल विधायी रूप में कौन से पावर रखता है वो हम सब देखते हैं बच्चों। देखो पहले विधानमंडल का गठन, आपने पढ़ा था बच्चों पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। वैसे ही राज्य विधानमंडल का गठन होता है बच्चों विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीन से मिलकर के राज्य विधानमंडल का क्या किया जाता है बच्चों, गठन किया जाता है। तो राज्य विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 के अनुसार, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। तो किससे मिलकर बनता है बच्चों, विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा है बच्चों आपका राज्यपाल, इन तीन से मिलकर बच्चों राज्य विधानमंडल का गठन किया जाता है। अब बात आती है बच्चों किसकी, अनुच्छेद 176। बच्चों आप सबको पता होना चाहिए वहां पर राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल, जहां पर भी विधान परिषद है। देखो बच्चों राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ज्यादातर राज्यों में एक सदन है उसका नाम है विधानसभा, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ बच्चों विधान परिषद है, जैसे जम्मू कश्मीर है, यूपी है, आपका कर्नाटक है, तो ये कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। तो जहां पर विधान परिषदें हैं वहां विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य करता है राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य करता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ध्यान रखो अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 बच्चों कहता है कि राज्यपाल जो है वो विधान मंडल के अधिवेशन को बुलाने का, उसे भंग करने का और उस अधिवेशन को स्थगित करने का क्या रखता है, पावर रखता है। तो लोकसभा को राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है, अधिवेशन को कभी भी स्थगित कर सकता है और विधानमंडल को कभी भी समय से पहले भंग करने का पावर बच्चों राज्यपाल रखता है। तो राज्यपाल की राज्य विधानमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों, तो ये वाली बात है। फिर आता है अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175 कहता है कि राज्यपाल जो है अभिभाषण, जब विधानसभा का गठन होता है पहली बार मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद या विधायक अपने विधानसभा में बैठते हैं तो उस समय राज्यपाल के द्वारा पहली बार अपना संदेश समस्त विधानमंडल में जो सुनाया जाता है बच्चों, वो कौन सुनाता है, वो राज्यपाल सुनाता है। राज्यपाल अपना संदेश समस्त विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है, ये कार्य करता है बच्चों कौन, राज्यपाल। उसके बाद आता है विशेष अभिभाषण। देखो बच्चों विधानसभा के जो तीन सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और आपका ग्रीष्मकालीन सत्र, तो जो ये तीन सत्र होते हैं इन तीनों सत्रों का जो पहला अधिवेशन होता है उसमें अपना विशेष अभिभाषण प्रस्तुत करता है कौन, राज्यपाल। तो राज्यपाल अभिभाषण प्रस्तुत करता है कब, जब पहली अधिवेशन होगा, जब पहली विधानसभा का गठन होगा तब अभिभाषण या संदेश प्रस्तुत करता है और हर संसद के प्रत्येक साल में जब सत्र का आयोजन होता है उससे पहले पहला जो विशेष अभिभाषण प्रस्तुत करता है बच्चों वो कौन करता है, वो करता है आपका राज्यपाल। उसके बाद देखिए बच्चों
अनुच्छेद 192 के अनुसार विधायकों की निरहता के बारे में जो नियम और उपनियम बनाने का कार्य है वो भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 331, ध्यान रखना बच्चों, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 330 कहता है, क्या कहता है, कि राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों की नियुक्ति करेगा। वैसे ही राज्य में अगर एंग्लो इंडियन समुदाय है तो उनमें से एक सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत करने का जो पावर रखता है वो कौन रखता है बच्चों, राज्यपाल। तो राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को मनोनीत करने का कार्य करता है कौन, राज्यपाल। विधान परिषद में 1/6 सदस्य और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करने का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों अनुच्छेद 200, ध्यान रखना बच्चों, राज्यपाल की कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों। राज्य विधानसभा में कोई विधेयक पारित होता है, राज्य विधान परिषद में जाता है, उसके बाद बच्चों राज्यपाल की स्वीकृति हेतु साधारण विधेयक जाता है। तो राज्यपाल साधारण विधेयक के मामले में 4 चीजें कर सकता है, राष्ट्रपति केवल 3, जबकि राज्यपाल कितनी कर सकता है, 4 चीजें कर सकता है बच्चों। वो क्या, देखें, स्वीकृति, साधारण विधेयक आया विधानसभा से विधान परिषद में 3 वाचन से गुजर करके आ गया, राज्यपाल के पास आने पर वो उस पर क्या दे देगा, स्वीकृति, पहला काम तो ये कर सकता है। दूसरा है उसको अपने पास रोक के रख सकता है, ना तो हाँ में जवाब और ना ना में जवाब, केवल उसको अपने पास रखना। और हमारा भारतीय संविधान कहीं पर भी ये नहीं कहता कि राज्यपाल को इतने टाइम ड्यूरेशन में साइन करके देने, तो दूसरा काम उसको अपने पास रोक के रख सकता है। तीसरा, राज्यपाल को लगे कि साधारण विधेयक पे कुछ संशोधन होने चाहिए, कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए, तो वापस वो विधान मंडल में भेज देता है पुनर्विचार के लिए, तो तीसरा काम ये कर सकता है। चौथा काम कर सकता है, अगर राज्यपाल को लगे कि वास्तव में ये मामला बहुत गंभीर है तो ऐसे मामले या ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भी भेज सकते हैं अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। तो राज्यपाल कानून निर्माण में साधारण विधेयक के मामले में बच्चों अभूतपूर्व शक्ति रखता है, वो स्वीकृति दे सकता है, रोके रख सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति के विचारात जो है उनके पास भेज भी सकता है। तो ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हुई बच्चों, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हुई, अभिभाषण प्रस्तुत कर सकता है, विशेष अभिभाषण प्रस्तुत कर सकता है, राज्य विधानमंडल का गठन ही राज्यपाल से होता है, राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, राज्य विधानसभा के एक एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करता है, साधारण विधेयक के मामले में स्वीकृति दे सकता है, रोके रख सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज भी सकता है। ये पावर है आपके पास, किसके पास, राज्यपाल के पास, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों वित्तीय पावर। आप सब जानते हैं सेंट्रल में बजट प्रस्तुत करवाता है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही बजट प्रस्तुत होता है। कोई भी धन विधेयक अगर राज्य विधानसभा में प्रस्तुत होना है तो वो किसकी स्वीकृति होगी बच्चों, पहले राज्यपाल की स्वीकृति ली जाएगी। इसके अलावा केंद्र की आकस्मिक निधि पर अधिकार होता है राष्ट्रपति का, वैसे ही राज्य में आकस्मिक निधि पर अधिकार होता है बच्चों किसका, राज्यपाल का। तो ये है राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल, जो काफी पावरफुल है बच्चों। और इसके पावर को समझने के लिए आपको कक्षा 12 की बुक को पढ़ना ही होगा और उसके तीनों पावर को ध्यान से समझना होगा, मेरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा ताकि आप कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस में क्या हो सको, पारंगत हो सको। तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, समझें और मैंने जो शॉर्ट नोट्स आपके बोर्ड पर लिखवाए हैं
उनको लिखे। कक्षा 12th के एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों बड़े ही लाभदायक है। आगे मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाने वाली हूँ। मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखें बच्चों, ताकि आप पॉलिटिकल साइंस में पारंगत हो सके। मैं चाहती हूँ कि आप हर अनुच्छेद आपके मुंह पर हो। हर अनुच्छेद को मुंह पर लाने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको चीजों को समझना होगा। संविधान को समझने के लिए एक लगन लानी होगी कि मुझे संविधान को एक इंटरेस्ट से पढ़ना होगा। और जब तक बच्चों आप सब जानते हो, कक्षा 12th के बच्चे हो, आप सब जानते हो कि जब तक अपने में इंटरेस्ट जागृत नहीं होगा, हम अंदर से उस चीज को एडॉप्ट नहीं कर सकते बच्चों। तो अंदर तक किसी चीज को एडॉप्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको पढ़ना होगा, अच्छे से स्टडी करनी होगी बच्चों। इसी के साथ मैं आपको आगे की बात बता देती हूँ। वित्तीय शक्तियां आपने देख ली, विधायी शक्ति देख ली, और एक कार्यपालिका शक्ति। बच्चों एक शक्ति हो रहा है आपकी, न्यायिक शक्ति। कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति की बात मिलती है अनुच्छेद 161 में, और कहा गया है कि केंद्र में न्यायिक जो पावर राष्ट्रपति के पास है वो राज्यपाल के पास है। क्षमा कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को परिहार, लघुकरण, विराम सब कर सकता है, लेकिन बच्चों राज्य सूची और संवर्ती सूची के मामले पर ही वो क्या कर सकता है, इस सजा को माफ कर सकता है। संघ सूची के मामले में राज्यपाल किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान रखना है, मृत्यु दंड को माफ केवल राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल को इससे संबंधित कोई पावर नहीं होता है। तो हमने चारों पावर्स पढ़े, कार्यपालिकाई, विधायी, वित्तीय और न्यायिक, ये राज्यपाल के पावर्स है। आगे के वीडियोस में हम इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, क्लियर करेंगे। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, ताकि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के जितने भी अनुच्छेद हैं, जितनी भी पॉलिटिकल साइंस की बातें हैं बच्चों, वो आपके सारे क्लियर करवा सकूं। और इसके लिए आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा और मेरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा बच्चों। धन्यवाद।